Hello student, you are welcome in SST Genix class and today we are going to study about towards civil disobedience movement. इस पार्ट में हम उन घटनाओं का जिक्र करेंगे जिसके कारण हमारे लिए सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट चलाना पॉसिबल हो सका। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि महात्मा गांधी जी ने 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था और 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट के कारण उसका विड्रॉ भी हो गया। चौरी चौरा में हुआ क्या? चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ पर लोग एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, किसी कारण से पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग की जिससे ये पूरा जो मूवमेंट था, जो डेमोन्स्ट्रेशन था, ये वायलेंट हो गया। वायलेंट भीड़ ने पुलिस स्टेशन जला दिया जिसमें उस स्टेशन में मौजूद सारे पुलिस वाले जलकर मर गए। इस इंसिडेंट के कारण गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। उनका मानना था कि किसी भी हालत में ये मूवमेंट वायलेंट नहीं होना चाहिए था, अभी लोगों को ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि लोग सत्याग्रह को नॉन वायलेंट तरीके से चला सकें। कांग्रेस के लीडर और बहुत सारे लीडर इस डिसीजन से खुश नहीं थे। जहां एक और गांधी जी सत्याग्रह को ट्रेन करने के लिए जोर दे रहे थे, वहीं कांग्रेस के दूसरे लीडर भी थे जो चाहते थे कि अभी अंग्रेजों के खिलाफ हमें एक बड़ा पब्लिक का मूवमेंट चलाना चाहिए। प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शन होना है उसमें कांग्रेस को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये प्रोविंशियल काउंसिल के जो इलेक्शन होने थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अकॉर्डिंग होने थे। उनका मानना था कि प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके वो ब्रिटिश पॉलिसीज का काउंसिल के अंदर जबरदस्त तरीके से अपोज कर सकते हैं। वो दुनिया को और इंडियन को ये समझा सकते हैं कि जो ये काउंसिल है वो एक्चुअली डेमोक्रेटिक नहीं है, जिसका क्लेम ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। सी आर दास और मोतीलाल नेहरू उन लीडर्स में थे जो काउंसिल में एंटर करना चाहते थे इलेक्शन के थ्रू, और उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक सेपरेट ग्रुप बना दिया जिसका नाम था स्वराज पार्टी, और ये फेवर कर रहे थे कि उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर दूसरी तरफ जो यंग लीडर अभी कांग्रेस में आए थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे यंग लीडर थे, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की अपेक्षा उन्हें ज्यादा रेडिकल और बड़ा रेडिकल मास मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ चलाना चाहिए और उनकी डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस की होनी चाहिए। अब हम उन कारणों पर फोकस करते हैं जिनके कारण सिविल डिसऑबिडियंस मूवमेंट के लिए जमीन तैयार होनी शुरू हुई, और उसमें पहला कॉज है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। इसका असर इंडिया में 1926 के बाद लगातार देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस 1926 के बाद नीचे गिरने शुरू हो गए और 1930 पे आते आते इसमें जबरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड गिरने लगी, एक्सपोर्ट बिल्कुल खत्म होने लगा। जो हमारे फार्मर थे उनके लिए बड़ी मुश्किल का वक्त आ चुका था, वो बड़ी मुश्किल से अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेच पा रहे थे, जो बेच रहे थे उसकी कीमत उतनी नहीं मिल रही थी, और बड़ी मुश्किल होता था जब उनको रेवेन्यू देना होता था। रेवेन्यू में सरकार की तरफ से कोई भी कंसेशन नहीं मिल रहा था। 1930 तक आते आते पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो रूरल एरिया है उसमें ये बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी थी। अब जो सेकंड कॉज है वो है कि टॉरी गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में बनी थी, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मिस्टर टॉरी, उन्होंने स्टैट्यूटरी कमीशन सर जॉन साइमन के अंडर में बनाया। इसको ऑर्गेनाइज करने का कारण था हिंदुस्तान में चलने वाला
नेशनल मूवमेंट। इस साइमन कमीशन का काम था कि वो इंडिया में आकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसको ऑब्जर्व करें, उसको देखें, उसकी कमियों को खोजें और उसमें जो एप्रोप्रिएट चेंजेस होने हैं उसके लिए सरकार को सजेस्ट करें। पर इस कमीशन में एक बहुत बड़ी कमी थी और कमी यह थी कि इसका कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश मेंबर थे। जो बात इंडियन के लिए होनी थी, इंडियन के लिए सुधारों का सजेशन देना था और उसमें कोई भी इंडियन मेंबर ना हो, ये बात हमारे नेशनलिस्ट और लीडर थे उनके गले नहीं उतर रही थी। और उनका कहना था कि इस कमीशन में एटलीस्ट एक मेंबर तो इंडियन होना ही चाहिए। यह कमीशन 1928 में जब इंडिया आया तो चारों तरफ इसको जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा। जो प्रोटेस्टर थे वो अपने हाथों में काले रंग के बैनर लेकर जोर जोर से स्लोगन बोलते थे, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। और इंडिया में इस वक्त जबरदस्त यूनिटी देखने को मिलती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने मिलकर इसमें पार्टिसिपेट किया। हालत की गंभीरता को देखते हुए लॉर्ड इरविन ने हिंदुस्तानियों का मन जीतने के लिए अक्टूबर 1929 में एक ऑफर इंडियन को दिया डोमिनियन स्टेटस का। लोग इसे खुश भी हुए, पर जब उन्होंने इसके लिए समय सीमा पूछी तो उन्हें कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। और साथ ही साथ उन्होंने घोषणा की कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी बुलाया जाएगा जिसमें डिस्कस होगा फ्यूचर के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के रूप में हमें यूथ और नया खून जो कि काफी असर्टिव था, काफी रेडिकल था अपनी डिमांड के मामले में, और वो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे। दूसरी तरफ जो लिबरल लीडर थे, जो मॉडरेट लीडर थे, वो धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस कांग्रेस के अंदर खोते जा रहे थे। 1929 में लाहौर में 44th कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया जिसके प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे और यहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज की डिमांड को रखा, फुल इंडिपेंडेंस की बात, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात उन्होंने रखी। और यह भी घोषणा की गई कि 26 जनवरी 1930 को हम हिंदुस्तान के अंदर सिंबॉलिक कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। पर यह सेलिब्रेशन कमोबेश ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह सेलिब्रेशन लोगों को अट्रैक्ट करने में और लोगों का अटेंशन गेन करने में फेल रहा। अब गांधी जी को एक तरीका ढूंढना पड़ा कि जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस के आइडिया को ज्यादा अच्छा और कॉन्क्रीट शेप दे सके, जो लोगों के डेली लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सके, लोगों के अटेंशन को खींच सके, ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए जिसमें पब्लिक की डिमांड को ज्यादा सामने रखा जाए। और हमें ये जो 26 जनवरी 1930 का दिन था, ये एक्चुअली इंडियन हिस्ट्री में एक माइलस्टोन के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो इंडियन की डिमांड थी वो डोमिनियन स्टेटस से चेंज होकर कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे पर आ गई थी और लोग और पब्लिक कंप्लीट इंडिपेंडेंस से हम किसी भी बात पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं थे। और इसी दिन की याद में जब हम आजाद हो गए 1947 में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो उसको एनफोर्स करने के लिए, उसको लागू करने के लिए हमें एक ऐसा दिन, एक हिस्टोरिकल डे चूज करना था और वो हमने चूज किया 26 जनवरी। इसी 26 जनवरी 1930 की याद में अब आगे क्या होता है, हमारा सिविल डिसोबीडियंस किस तरह से स्टार्ट होता है और ये किन किन रास्तों पर चलता है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।